हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज निकिश त्यागी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट। अब तक हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट पढ़ा है और प्रेजेंट का पूरा मैंने आपको चारों पार्ट पढ़ा दिए हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट डेफिनिट पढ़ा था, सेकंड पार्ट में मैंने आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था, एंड थर्ड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है। तो स्टूडेंट्स चारों वीडियोस को वन बाय वन करके पूरा चैनल पे वो अवेलेबल है मेरे, और मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है। पूरा प्लेलिस्ट को चेक कर ले, वहां पर सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स आज मैं पास की बात करने वाला हूँ। पास में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले किसकी? पास इनफिनिट की। हाँ एक बात और आप लोग को बता दूं, देखिए पास में सबसे पहला सेंटेंस क्या है? पास इनफिनिट। स्टूडेंट्स मैंने जो चारों टेंस आपको पढ़ाए हैं प्रोजेक्ट के, चारों पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, और प्रोजेक्ट के जो चारों पार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उन पर पूरा एक कंबाइंड वीडियो बनाने वाला हूं। तो पूरा लॉकडाउन में आप पूरा पूरा उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का नाम मैंने रखा है पापा वीडियो। तो उस वीडियो को जो मैं बनाने वाला हूँ प्रेजेंट से लेकर पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक जितनी भी पॉसिबिलिटी एरर है, जो एरर एसएससी में बैंकिंग में रेलवे में आ रही है, उस सबको ध्यान में रखकर मैंने वो वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को जो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लेंथी वीडियो बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात करते हैं सबसे पहले पास में। पास में किसकी बात करते हैं? पास नफी की। स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट है, पास नफिट होता क्या है? देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें पास लगा है। क्या लगा है? पास। तो एक्शन तो पास में होना है। कोई भी काम है जो पास में हुआ है, पास में हमने कल किया है, सुबह किया है, हम लोगों ने जो भी काम पास में किया है, 10 दिन पहले किया है, 10 साल पहले किया था, बचपन में किया था, कोई भी ऐसा काम जो प्रेजेंट किया है, प्रेजेंट एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग, मैं जो बोल रहा हूँ क्या है? वो प्रेजेंट है। लेकिन कल की बात करें, अब से 2 घंटे पहले बात करें, अब से 4 घंटे पहले बात करें, 6 घंटे पहले वाली बात करें, सुबह की बात करें, दोपहर की बात करें, तो क्या है? पास हमारे ना। तो बच्चों पास इनफिनिट को, हाँ कुछ लोग पास इनफिनिट को पढ़ते कैसे, पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर जिन वॉकिंग के अंत में ता ते थे ती थे, ये मुझे कुछ लोग बोलते हैं आता है, उसे हम पास इनफिनिट कहते हैं। स्टूडेंट्स इसे बिल्कुल भी हिंदी से नहीं पढ़ना। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है, कुछ लोग कहते हैं मैं झूठ बोलता था, मैंने खाना खा लिया था। हाँ ये भी क्या ताते थे के साथ लिया था, खाया था, पिया था मैंने। मुझे कुछ लोग कहते हैं क्या ये फिर क्या ये, जिन वाक्य के अंत में आता है वो भी क्या होता है? पास इनफिनिट होता है। स्टूडेंट्स आपको इसको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना। देखिए पहले तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। मुझे स्टूडेंट ने कहा है जिन वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ती थी, या फिर लिया था, खाया था, पिया था, ऐसा कोई वर्ड आता है, उसे लोग क्या बोलते हैं? पास इनफिनिट बोलते हैं। स्टूडेंट्स मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं पहले दिन से आपको जो पढ़ा रहा हूं वो मैंने आपको कंसेप्चुअल पढ़ाया है, कंसेप्ट बेस बताया। देखिए पास इनफिनिट क्या है? पास इनफिनिट को यही से हम लोग याद करेंगे। हम लोगों ने नाम क्या रखा? पास्ट इनफिनिट। देखो याद कर लिया, पास्ट इन डेफिनिट। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, रटने की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेट का मतलब सब लोग जानते हैं क्या? निश्चित। पास्ट का मतलब समझते हैं भूतकाल। जो भी काम डेफिनेट था किसमें? पास्ट में। और पास्ट में अगर सही बात करूं तो सारे वर्क डेफिनेट थे। अगर हमने किसको पीटा था, हमने गाली दी थी, हमने चोरी की थी, हम लोग कहीं पर गए थे, तो सारे काम पास्ट में डेफिनेट हो गए ना। क्योंकि देखिए प्रेजेंट और पास्ट हमेशा डेफिनेट होता है। प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं डेफिनेट है, तुम लोग पढ़ रहे हो डेफिनेट है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए क्या, कोई भी काम हम लोगों ने पास्ट में कर दिया है, किया है या नहीं किया है, कर दिया तब भी डेफिनेट है, और हम किसी काम को नहीं कर पाए पास्ट में तब भी क्या वो डेफिनेट हुआ ना। पास में कोई एक्शन, देखिए मैंने झूठ बोला था तो कंफर्म है ना। मैंने कहा मैंने ना प्रेजेंट इंडेफिनिट पर वीडियो बनाई थी तो कंफर्म है ना। पास होते ही चीजें कंफर्म हो जाती है। हमारी लाइफ में दो ही चीजें तो हैं जो कंफर्म है, जो डेफिनेट है। कौन कौन? एक तो पास डेफिनेट है, एक प्रेजेंट डेफिनेट है। फ्यूचर को तो हम कभी डेफिनेट बोल ही सकते, क्योंकि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा हमें क्या पता। तो पास में जो भी एक्शन हुआ डेफिनेट इन पास, पास में हमने कुछ भी कर दिया वो पास इंडेफिनिट है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट इन पास्ट, इसको ऐसे याद करना है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं क्या। पास्ट इनफिनिट को लिखा मैंने पास्ट इन, मैंने इनफिनिट को इन और डेफिनेट में ब्रेक कर दिया है। तो मैंने लिखा पास्ट इन डेफिनेट। डेफिनेट मतलब निश्चित, जो निश्चित हो किसमें? पास्ट में। और पास्ट में सारी चीज निश्चित थी,
मैंने कहा मैंने 12th पास की थी 2003 में। मैंने कहा मैं वहां पर गया था एक महीने पहले, तो कंफर्म है ना गया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो भी पास में काम हुआ वो सारे कंफर्म होते हैं। अगर ऐसे भी याद नहीं आ रहा तो देखिए एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इस देखिए वापस इसी पर आऊंगा। पास एंड फिट को आप ऐसे याद कर रहे हैं बच्चों, जो भी आपके पास हैबिट्स थी, देखिए भाई प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात नहीं करनी है। जितने भी आपके पास हैबिट्स थी, ड्रग्स लेता था, गालियां देता था, स्मोकिंग करता था, सिगरेट पीता था, झूठ बोलता था, जो भी पास के हैबिट थी, पास की जो भी आदतें थी, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी। जैसे मैंने कहा सुबह 6 बजे उठने की आदत थी, अब सुबह 6 बजे उठने की अच्छी आदत थी। मैंने कहा मैंने ड्रग्स लेता था, अब लेता था, देखिए अब नहीं लेता, ड्रिंक करता था, पास में करता था, तभी तो कह रहा हूं करता था, और अगर अभी भी करता हूं तो फिर क्या बोलूंगा, ड्रग्स लेता हूं। देखिए ड्रग्स लेता हूं तो प्रेजेंट हैबिट हुई, जो प्रेजेंट फिट का सेंटेंस है। लेकिन ड्रग्स लेता था, देखिए पास में लेता था ना, तो क्या हुआ, पास में फिट। तो जितनी भी पास्ट हैबिट्स हैं, या फिर यूं कहिए जितने भी पास्ट वर्क हैं, देखिए पास्ट क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज वी आर रीडिंग क्या, पास्ट। जितने भी पास्ट वर्क आपने काम किया है, मम्मी के पास गया था, मैंने कहा मामा के यहां जाकर आ गया था, मामा के यहां जाकर आया था, मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक महीना पहले इस पर होमवर्क किया था, उसने मुझे गाली दी थी। तो पास्ट वर्क जो भी है, पास हैबिट है या पास वर्क है, ये यू कहिए पास लाइफ। देखिए और देखिए पास लाइफ में क्यों लिखा, मैंने कहा कैटरीना कैफ को पसंद करता था, और कैटरीना कैफ को पसंद करता था भाई, करता नहीं हूं, करता था, मतलब उससे अच्छी कोई आई है अब उसे करता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पास लाइफ, कॉफी पीना पसंद करता था, पास्ट डिसलाइक। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्या, पास्ट डिसलाइक, पास के लाइक हूं, पास के डिसलाइक हूं, सब क्या है, पास का फिट है। कैसे, मैंने कहा कॉफी पीना पसंद करता था, अब करता था, अभी नहीं करता, अभी क्या पसंद करता, चाय पीना पसंद करता। मैंने कहा उससे बात करना पसंद करता था, अब नहीं करता। पास में या तो कोई लाइक है या आपका डिसलाइक है, ना पसंद। मैंने कहा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसे पसंद नहीं करता था, हो सकता है प्यार हो गया हो, समझ पा रहे ना। मैंने कहा रेड कलर पसंद नहीं करता था, कॉफी पसंद नहीं करता था, वहां जाना पसंद नहीं करता था, पढ़ना पसंद नहीं करता था, अब पास में तो लाइक हो, उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, अब पास में तो लाइक हो या क्या हो, डिसलाइक हो। क्या मेरी बात समझ पा रहा है बच्चों? मैंने कहा अक्षय कुमार को पसंद करता था या अक्षय कुमार को नहीं पसंद करता था, अब देखिए लाइक या डिसलाइक है। जो पास में था आपका, चाहे लाइक है या डिसलाइक है, या पास वर्क है, या बच्चों जो आपका रूटीन था, रूटीन इन पास, अगर प्रेजेंट रूटीन है, क्योंकि रूटीन भी आपका चेंज हो सकता है, रूटीन इन पास्ट, जो भी रूटीन था आपने, जो पास में आप लोग करते थे, मैं कह रहा हूं भाई 8 घंटे पढ़ा करता था, 8 घंटे पढ़ता था, सॉरी पढ़ा करता था नहीं, 8 घंटे पढ़ता था, उससे मिलता था, ये काम करता था, इतने बजे उठता था, इतने बजे सोता था, इतने बजे खाता था, इतने बजे पीता था, अब रूटीन चेंज हो गया, अब रूटीन दूसरा हो गया। तो जो भी रूटीन है किसमें, पास में, ये यू कहिए, देखिए मैं तो एक इंपॉर्टेंट कहूंगा, रिपीट। क्या, रिपीट इन पास, जो भी काम को आप पास में रिपीट करते थे वो ही काम क्या है, वो पास इन द फ्रीट है। तो देखिए बच्चों अगर ये सारी बातें हम लोग याद ना करके हम सब लोग दोस्तों इसको याद कर लें, डेफिनेट इन पास, देखिए डेफिनेट इन पास, जो भी पास में डेफिनेट था और पास में जो भी एक्शन हो सारे डेफिनेट, सारे डिफरेंट थे वो। क्या मेरी बात समझ पा रहे, नहीं समझे? लेकिन इसके एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, आप पास्ट कंपल्सन को इसमें कभी नहीं पढ़ेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कंपल्सन मतलब मजबूरी। बच्चे पास्ट में अगर कोई आपकी मजबूरी रही है, पास्ट में क्या रही है, पास्ट में अगर आपकी कोई मजबूरी रही है, पास्ट में कोई आपकी मजबूरी थी, तो वो पास्ट इन फीट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पास कंपल्सन एक मॉडल्स का सेंटेंस है, जब मॉडल्स पढ़ेंगे वहां पढ़ाऊंगा मैं, पास कंपल्सन को हेड टू से हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पास कंपल्सन मतलब सुनिएगा, देखो मैंने कहा मैं डेली वहां जाता था, अब मेरी हैबिट हो सकती है, मेरा वर्क हो सकता है, मैं डेली जाता था तो मेरा काम हो सकता है, मैं काम पर जाता था, मैं काम पर जाता था मेरा वर्क, लेकिन मुझे काम पर जाना पड़ता था। अब देखिए यहां पर भी लास्ट में ता था, थे थी आ रहा है,
मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था, पड़ती थी, कुछ भी आप लोग लगाएं। अगर यहाँ पर भी देखिए ता था ते थी आया हुआ है लास्ट पे, अगर यहाँ पर भी ता ते थी, और हमने क्या पढ़ा था कि जिम्मा के अंदर ता था ते थी आता है वो क्या होता है पास इनफिट होता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हर रोज क्रिकेट खेलना पड़ता था, अब देखिए मेरा मन नहीं था, मेरी मजबूरी थी, और मजबूरी वाला सेंटेंस पास इनफिट में बिल्कुल नहीं आना। मुझे हर रोज क्रिकेट खेलना पड़ता था मतलब क्या है, मेरी मजबूरी थी, और मजबूरी क्या हुआ देखो, पढ़ता था लास्ट में ता था ते थे आ रहा है, लेकिन पास इन फिट का सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान दीजिए मेरी बात। और मैंने कहा मुझे हर रोज मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था, देखिए ये पास्ट है, या फिर मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता था, अब देखिए मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता था तो मेरी पास के लाइक है जो पास इन फिट का सेंटेंस है। पहले तो आप मुझे बताइए, मैंने कहा पास हैबिट, पास वर्क, पास लाइक, पास डिसलाइक, रूटीन इन पास या रिपीट इन पास, कोई भी काम पास में किया था किसको छोड़कर, पास कंपल्सन को छोड़कर, बच्चे पास में जो मजबूरी है उसे छोड़कर आप किसी भी सेंटेंस को जो पास में हुआ है, जो मैंने लिखा भी है, जो पास में डेफिनेट है, आप उसे पास इन फिट का सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी मजबूरी वाला सेंटेंस है तो आप उसे पास इन फिट में नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने कहा सुनिए, 6 बजे उठना पड़ता था, मन नहीं करता था, तो ये पास इन फिट में नहीं बनाना है आप लोग। लेकिन मैंने कहा मैं सुबह 6 बजे उठता था, आपका वर्क हो सकता है, आपकी हैबिट हो सकती है, और वर्क वाला हैबिट वाला सेंटेंस पास इन फिट में ही बनेगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, स्मोकिंग करता था तो मेरी हैबिट हो गई, स्मोकिंग करनी पड़ती थी, अब करनी पड़ती थी मतलब कोई भी आता था स्मोकिंग करा देता था, तो मेरी मजबूरी है और स्मोकिंग करनी पड़ती थी तो पास इन फिट में बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने कहा पीनी पड़ती थी, अब कोई भी आता था पिला देता था, तो पास इन फिट का सेंटेंस है मुझे पीनी पड़ती थी, नहीं मुझे पीनी पड़ती थी पास कंपल्सन है, पास की मजबूरी है, मुझे पीनी पड़ती थी, और मजबूरी वाला सेंटेंस पास से फिट में नहीं बना। लेकिन अगर मैंने ये कहा मैं हर रोज पीता था तो मेरी हैबिट है, या मेरा वर्क हो सकता है, या मेरी लाइफ हो सकती है। देखिए मैं रोज पीता था, मुझे रोज पीना पसंद था, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो जो आप हैबिट है आपकी, लाइक है, डिसलाइक है, पास में डेली रूटीन था, जो भी पास में डेफिनेट है किसको छोड़कर, पास कंपल्सन को छोड़कर, सारे सेंटेंस आपको पास एंड फिट में बनाने हैं। तो बच्चों या तो इन पॉइंट को ध्यान किए, देखिए मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, कितने पॉइंट हैं, 6-7 पॉइंट मैंने आप लोग को बताए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास एंड फिट का है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूं। देखिए मैंने कहा पास चाहे बचपन में भी आपने किया था, चाहे आपने कोई काम बचपन में किया था ना, लेकिन मजबूरी नहीं था, मैंने बचपन में उसको ना गाली दी थी, मैंने बचपन में उसको गाली दी थी, ये भी पास इन फिट का है। मुझे गाली दे, मैं गाली देना पसंद करता था, ये भी पास इन फिट का है। मैं झूठ बोलना पसंद करता था, ये भी पास इन फिट का है। मैं पढ़ना पसंद करता था, ये भी पास इन फिट का है। बताइए यार मेरी बात याद हुई नहीं याद हुई। तो बच्चे पहचाने कैसे, ये तो हिंदी की बात हुई कि भाई हैबिट है, लाइक है, डिसलाइक है, डेली रूटीन था पास में, ये तो बात हुई हमारी क्या हिंदी की। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचाने, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर आज के बाद किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव समझिए, अफर्मेटिव कहिए, सिंपल कहिए, असर्टिव कहिए, जो भी कहना होगा, ये चारों नाम एक ही हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आपने सबसे पहले पुट किया है क्या सब्जेक्ट, और फिर आप देख रहे हैं आज के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे आप क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं, और उसके बाद देखिए बच्चों मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका रेस्ट पार्ट। आज के बाद अगर किसी भी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ध्यान से, क्या सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट, तो देखते कह दीजिए बच्चों ये पास इन द फील्ड का सेंटेंस, ये काम पास में हुआ है। कैसे, अब सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या है, देखिए गो, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हुआ, गॉन, कम, केम, कम। अब देखिए कम की सेकंड फॉर्म क्या हुई, केम। बच्चों सेकंड फॉर्म देखिए, अगर टेंस पढ़ना है तो फॉर्म्स भी आपको याद करनी पड़ेगी, फॉर्म्स के लिए भी पूरा कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जैसे मैंने कहा टीच, टॉट, टॉट, अब सेकंड फॉर्म क्या हो गई, डॉट हो गई।
मैंने कहा रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन बोलने में रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं, रीड रेड रेड। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? बहुत सारे वर्ब्स है हमारे पास, यू नो वेरी वेल। देखिए, स्पीक, स्पॉक, स्पॉकर, एम राइट नाउ? मैंने कहा इरिटेट, इरिटेट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इरिटेट, इरिटेटेड, इरिटेटेड। अब सेकंड फॉर्म क्या होगी? इरिटेटेड होगी। मैक्सिमम सेकंड फॉर्म ईडी से बनती है या फिर ईएन से बनती है। खैर, वो एक वर्ब का चैप्टर है, वर्ब के चैप्टर में पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरा बात करें, क्या कहा? सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या? रेस्ट पार्ट। जैसे मैंने कहा वो आया था, हाँ, एक दूसरे वर्ड। बात ये भी है बच्चों, पास रिपीट में ना आपको जनरली ऐसे वर्ड मिलेंगे। देखिए क्या, यस्टरडे, मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट मंडे। देखिए, वो मंडे को आया था, मंडे भी हो सकता है, लास्ट मंडे भी हो सकता है। क्या? लास्ट जनवरी। कब आया था भाई वो लास्ट मंथ आया था, लास्ट जनवरी आया था, वो लास्ट वीक आया था। देखिए, कब आया था? लास्ट वीक आया था वो कब आया था यार? वो ना 4 years ago, 4 साल पहले आया था, 4 years ago। कब आया था? कोई भी ऐसा वर्ड जो पास को बता रहा है, 4 साल पहले आया था। मैंने कहा वो ना 2 घंटे पहले, समझ गए ना? कोई भी ऐसा वर्ड जो पास को बताए। प्रेजेंट का यहां पर कोई मतलब नहीं है, टुडे का, टुमारो का यहां कोई मतलब नहीं है। तो यस्टरडे आएगा या क्या आएगा बच्चों? लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट जनवरी, लास्ट सेंचुरी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, वो 1997 में आया था। अब क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, तो मैंने 1997। मैंने कहा वो कब आया था? वो 1920 में आया था। वो कब आया था? वो पिछले साल आया था, लास्ट ईयर आया था। क्या मेरी बात क्लियर? नहीं क्लियर? जो भी पास को बताता है वो ही पास होगा, और एक्शन किसमें हो रहा है? पास में हो रहा है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। तो आज के बाद किसी भी सेंटेंस में क्या लिखा? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या? रेस्ट पार्ट। जैसे बात करें, मैंने कहा वो ना उसे लास्ट ईयर मिली थी। क्या? वो मुझसे लास्ट ईयर मिली थी। देखिएगा, एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। मैंने कहा कैटरीना कैफ लास्ट ईयर मुझसे मिली थी। कौन? कैटरीना मैट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या है? मैट। अब देखिए, मैं वर्ब की फॉर्म से समझा रहा। अच्छा, एक बात और है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो, या बच्चों ये सेंटेंस आप, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, पास रिपीट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर समझते हैं, मतलब ही, सी, इट या कोई वन दिया है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या क्या है? प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। आई दिया है, वी दिया है, यू दिया है, दे दिया है, कोई भी है, मोर देन वन है। यहां सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट रखिए और सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर यहां दे होता तब भी सेकंड फॉर्म, यहां वी होता तब भी सेकंड फॉर्म, यहां आई होता तब भी सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखा, ही मैट मी, ये रहा ऑब्जेक्ट का। लास्ट ईयर कब मिली थी मुझे? लास्ट ईयर मिली थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां सेकंड फॉर्म का ही कंसेप्ट है पॉजिटिव में। यहां थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं यूज करना दोस्तों। दूसरा, मैंने अभी पॉजिटिव बताया, नेगेटिव इंटरगेटिव मैंने नहीं डिस्कस किया। नेगेटिव इंटरगेटिव में डिस्कस क्यों करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट से और पास्ट परफेक्ट से सबसे ज्यादा सेंटेंस आते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस नहीं पता। आज मैंने सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट बताया है। पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को बताऊंगा। आई होप सो बच्चों बात क्लियर हुई होगी। तो इतना सा याद रखो, डेफिनेटिव पास्ट, जो भी पास्ट में डेफिनेट है वो क्या है? वो पास्ट इंडेफिनिट है। याद करना चाहें तो इस मेथड से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पास कंपल्सन को छोड़कर, पास में जो मजबूरी है उसको छोड़कर। बच्चों मिलता हूं कल, और एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोग के लेकर आने वाला हूं, जो कंबाइन है प्रेजेंट टू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट परफेक्ट। अगर बच्चों वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब किया, शेयर किया करें, और एक दूसरे को शेयर, एक दूसरे को जितने भी स्टडी प्रूफ है उनमें शेयर किया करें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ कल आप लोगों से।